और एमएस बिट्टा साहब है, चेयरमैन है एआईएटीएफ के। सबसे पहले बिट्टा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जिस चूक की बात यहां पर की जा रही है, जिस पर इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हम बार बार ये कहते हैं जी न्यूज पर, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अगर एडीजीपी की चिट्ठी पर गौर फरमा लिया गया होता, अगर उस पर एक्ट किया गया होता, तो फिर कल वो तस्वीरें ना आई होती जो 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा था, और वो बहुत सीरियस सवाल खड़े करती हैं चिट्ठियां। त्यागी जी, पहले तो मैं कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, बहुत सीरियस मामला है। इसमें ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाता है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है। आपको देखा, 370 हटाई, आपसे वहां मौत का कफन बांध के कवरेज करके हमको दिखाया। साहब, अगर अब आप तक आवाज आ पा रही हो तो आप अपनी बात पूरी कर ले सर। यू आर रॉन्ग, इनको बंद कराइए, मैं बोलता हूं। इन्होंने बोल लिया ना, मैं बोलता हूं। त्यागी जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर आवाज आ रही है तो मुझे ओके कर दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, संधू साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, संधू साहब, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का कांग्रेसी हूं मैं, अस्पतालों में भी बम्बों से दिन काटे और गोलियां बम भी खाए और कांग्रेस के नेताओं का पॉलिटिकल टेररिज्म भी झेला। आपने बात की दिल्ली की, दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ना कि केजरीवाल के अंडर है, मैं आपको बताऊं। और जहां तक दिल्ली को पंजाब के साथ आप नहीं मिला सकते, पंजाब के अंदर अभी पन्नू ने 3 दिन पहले वीडियो जारी किया कि जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा, मतलब जो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मर्डर करेगा, उसको मैं इतने डॉलर दूंगा। लुधियाना के अंदर अभी ब्लास्ट हुआ, कहां से टेररिस्ट पकड़े गए, जर्मनी और लंदन से पकड़े गए। तारे कहां जुड़ी थी, पाकिस्तान और आईएसआई थे। आप मुझे यह बताइए कि बठिंडा के 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान आईएसआई, फिरोजपुर का बॉर्डर 35 किलोमीटर, और पहली बार ऐसा देखा कि दुनिया में नहीं ऐसा हुआ, उस जगह के अंदर पीएम को थ्रेट, और यह कहा जा रहा है पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे, तो यह इंतजाम किसने करना था? देखो, मैं जज प्लस में आज 30 साल से जज प्लस में हूं। जब स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, मैं केरला में हूं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जो दिल्ली से होम मिनिस्ट्री से सुरक्षा आती है, उनको रास्तों का पता नहीं होता, ये स्टेट ने क्लियर करना होता है। अरे, इतना बड़ा खतरा, कल को खुदा न खास्ता, कल भी बात हुई, जिस तरीके से इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद देश के क्या हालात हुए, किसी एक ने शरारत की, 84 के दंगे हुए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिख समाज का नुकसान हुआ, गलों में टैर डाले गए, क्या किसी ने क्षमा मांगी? अभी तक इंसाफ नहीं मिला। खुदा ना खास्ता, अगर कहीं गलती से पीएम की एसपीजी पीएम को बचाने के लिए कहीं गोली चला देती तो कहते जलियांवाला बाग बन गया। अगर पीएम का नुकसान हो जाता, जानी नुकसान हो जाता, तो पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर दंगे हो जाते, को कांग्रेसी के घर में घुसता, को बेचारे सिख समाज इनोसेंट, जिनका इनसे पंजाब की किसी भी बात से तलक नहीं, पहले की तरह बेचारे सिख समाज का पूरे देश में नुकसान हो जाता। क्या हम पॉलिटिशियनों ने, क्या पंजाब के किसानों ने, क्या पंजाब पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्या पंजाब के लोगों ने, राजनीति करने वालों ने यह सोचा है कि हमारी छोटी सी गलती के कारण, हमारी गंदी राजनीति के कारण, हमारी घटिया हरकतों के कारण पंजाब के बाहर कितने सिख समाज लोगों का नुकसान होगा, कितने पुराने कांग्रेसियों के घरों में लोग जाके खड़े हो जाएंगे? साहब, ये सवाल सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं है, ये सवाल भारत की छवि के लिए, क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में हम चूक की बात कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है, वो सिखों के प्रधानमंत्री भी है, वो हमारे प्रधानमंत्री भी है, वो किसी के प्रधानमंत्री है। लेकिन गंदी राजनीति की बात आपने कही संधू जी, 30 सेकंड आपका काउंटर, उसके बाद गौरव भाटिया, प्लीज जल्दी जल्दी। उसी लाल गंदी राजनीति हो रही है संधू जी, पिताजी का बयान गलत था, मेरे से बहस कर लो सरदार साहब, मैं कांग्रेसी हूं आज भी, अरे आज भी मैं चमचा नहीं हूं किसी का, मैं किसी का चमचा नहीं हूं, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का हूं, शरीर दिया कांग्रेस और देश का झंडा उठा के। याद रखना, इंदिरा गांधी खोई, राजीव गांधी खोया, बेन सिंह खोया, और मैं
इसीलिए बिट्टा साहब आपको इस डिस्कशन में बुलाया ताकि ये जो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है उससे हटकर एक संवेदनशील और सीरियस डिस्कशन हो सके। देखो सीरियस जहां हम अपनी अपनी पार्टी को बचाने लग जाएं वहां सीरियस पन नहीं आ सकता। मैं कांग्रेस ही हूं, मैं को पार्टी में तो नहीं गया, पुराना हूं, खून से मेंबर बना हूं मैं अकेला हूं। अकेला इसलिए हूं ये सबने कुर्सी सत्ता के साथ आतंकवाद के साथ कई लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया, मैंने नहीं किया, मैं वही खड़ा हूं हमेशा आखिरी सांस तक ऐसे नजर आऊंगा और देश के सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा पाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब से सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जी की राहुल गांधी जी की एसपीजी हटी क्या पूरे देश के अंदर कहीं बता दो सुरक्षा में चूक हुई? अभी मैं गोवा में कुछ दिन के लिए गया, मुझे बुलेट प्रूफ कारी मिलती है, नहीं मिली। मैंने कहा क्यों नहीं मिली, कहते आपको नहीं मिल सकती क्योंकि प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा आपसे ज्यादा आगे है। मैंने इतराज नहीं किया, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। आज मैं फिर कह रहा हूं मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी 10 मिनट में आई, खराब हो गई और दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उपराष्ट्रपति जी आए थे छोड़ करके बड़ी कार थी वो मुझे मिली। सीपीएम सीपीआई की सरकार, मैं खिलाफ तो नहीं हूं, अभी तक फूलों की तरह मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के गए, कोई फिरका प्रस्ती तो नहीं। सूरत में 4 दिन पहले था, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। सेंटर की मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, कितने कमांडो? 4। मेरे साथ कितनी गाड़ियां? 10 या 12 जैमर बुलेट प्रूफ। मेरे ये तो नहीं कहा ये टकसाली कांग्रेस ही। सवाल सबसे बड़ा ये है जब हर चीज में हम पॉलिटिक्स जोड़ जाते हैं तो पीएम का निचोड़ निकलेगा कैसे? बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी नहीं करेगी, इसकी इंक्वायरी करे एनआईए, इसकी इंक्वायरी करे सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसकी इंक्वायरी हो सीबीआई की, इसमें पंजाब के ऑफिसर वो बीच में जुड़े जाए, पंजाब की इंटेलिजेंस जोड़ी जाए, फिर पता चले। ये छोटा सा मुद्दा नहीं जो भाटिया जी ने कहा, भाटिया जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि माफी मांगे ना, माफी तो फिर राजीव गांधी का भी ले लो, इंदिरा गांधी का भी ले लो, बेअंत सिंह का भी ले लो, मेरे ब्लास्ट में भी ले लो, माफी मांगते जाओ और सबको छोड़ते जाओ और कल को कहीं भी पीएम का नुकसान हो जाए। सवाल सबसे बड़ा ये पाकिस्तान है, ये ISI है। आज पाकिस्तान को हमने बता दिया ना पाकिस्तान को, आओ और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिसने 370 धारा हटाई और आतंकवादियों के चने चबा दिए, आज नरेंद्र मोदी का नुकसान कर दो। ये हमने सिग्नल पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के दुश्मनों को, चाइना को या दुनिया में बैठे हुए टेररिस्ट ग्रुप को हमने ये बता दिया भैया कभी भी नुकसान कर देना। अरे आज तक ऐसा हुआ नहीं, हम उसी वक्त कहते चूक हुई है सख्त कार्रवाई होगी उसी वक्त कार्रवाई, ये कहना अरे ये कुदरती हो गया। देखो मैं सीएम मेरे अच्छे दोस्त है पुराने, पर ये कहना चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार व्यक्ति ये कुदरती हो गया। इंदिरा गांधी भी कुदरती शहीद हो गई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी कुदरती शहीद हुआ, मेरे पे भी कुदरती बम ब्लास्ट हुआ और बेअंत सिंह भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर कुदरती चले गए और पटना में मोदी जी के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ वो भी कुदरती हुआ, आज नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक हुई वो भी कुदरती हुई, हर चीज कुदरती हुई। किस बात की तनख्वाह लेते हैं हम, किस बात के हम मंत्री बनते, किस बात के ऑफिसर बनते, किस बात के इंटेलिजेंस एजेंसी में आते, किस बात पे IPS बनते, किस बात के IAS बनके होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बनते, बताइए इनके दिमाग का है, इनकी जिम्मेदारी क्या? IPS IAS बनके का हमारे पे खुदा है क्या? मंत्री बनके तो हमारे खुदा है क्या? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देशद्रोही का करो केस बनता, याद रखिए। मैं फिर कहता हूं अदिति जी, अगर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नुकसान हो जाता दिल्ली में दोबारा दंगे होते, लाखों कतलाम होते, फिर कहते हैं ये क्या हो गया, फिर कहते हैं ये क्यों हुआ। यहां पे प्रोटोकॉल बिट्टा साहब, अदिति जी ये ADGP और DGP रहे शशिकांत जी, बहुत बहादुर एक शूरवीर पुलिस अधिकारी, आज अगर जिंदा होना मुझे नहीं पता जी आ रहे, अगर मैं एक जिंदा हूं ना और जिससे पूर्व DGP ने पंजाब को अमन शांति किया, 2 लोगों को ये DGP जो रहे इसके कारण जिंदा, मेरा दोस्त नहीं है, दिल्ली से हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की, मैं अफजल को फांसी दिलवाने में सफल रहा, नाराज हो गए दिल्ली से, मैसेज आता है इनको IPC आता, ये बताएं या ना बताएं कि बिट्टा और उस अधिकारी की सुरक्षा तुरंत हटाओ।
ये बहादुर सूरवीर पुलिस अधिकारी जिसने उस वक्त अकाली गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल को कहा यह संदेश आया है और अगर इनकी सुरक्षा में चूक होती है अकाली गवर्नमेंट, मैं पुराना कांग्रेसी जिनसे लड़ते रहे, तो याद रखिए हमारा बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा। तो ये ऊपर प्रकाश सिंह बादल ने बोला, चीफ मिनिस्टर ने, जिनको हमेशा हम गाली देते रहे, बिल्कुल डीजीपी साहब बिल्कुल मैं सहमत हूं, ये कहे या ना कहे, ये डीजीपी जो बैठे एक्स डीजीपी, इन्होंने अपने असूल के ऊपर काम किया कि अगर कोई बिट्टा के ऊपर हमला होता तो हमें जवाब देना पड़ेगा। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, पूछ लीजिए हाँ या ना, नहीं कहते कोई बात नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं कि इस डीजीपी की वजह से आज मैं जिंदा हूं, आज मैं, ये है पुलिस अधिकारी जो पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं फैलाते, जो राजनीतिक दबाव में नहीं आते। अमरिंदर सिंह के साथ थे तो उसको सुरक्षा के लिए सही जानकारी देते। कहना चाह रहे थे एमएस बिट्टा साहब। देखो मैडम त्यागी जी, ये कह रहे कि पीएम का रूट अचानक बना, मैं को आईबी में तो नहीं, मैं एक पॉलिटिशियन रहा हूं, मैं रॉ में तो नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने जब नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको चिट्ठी लिखता हूं जब उनको स्टेज पे चढ़े हुए हर आदमी चढ़ रहा है, मेरा जो अनुभव कहता है, मैं कहा प्रधानमंत्री जी आप जिंदा नहीं रहोगे, देश की सेवा तभी करोगे अगर जिंदा रहोगे, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना। उस वक्त इन्होंने डिमांड की थी हमें एसपी जी दी जाए, नहीं दी। क्या हुआ, पटना के अंदर ब्लास्ट हुआ, 5 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को मेरा लेटर मिला। हमारे जैसे आदमी को यह पता है कि राजीव गांधी 1 महीना जिंदा नहीं रहेगा, हमारे जैसे व्यक्ति को पता है कि 26/11 की घटना समुद्र के जरिए आएगी, हमें पता है। पर मैं फिर दोहरा हूं, ये किस बात की अधिकारी तनख्वाह लेते, हम पॉलिटिशियन वोट लिया बन गए और मंत्री बन गए और कुछ भी हुक्म चला दिया, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तुम्हें अच्छी पोस्ट दे देंगे, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे और आप पॉलिटिकल मर्डर करा दोगे। आप, मेरा पॉलिटिकल मर्डर कई बार हुआ है, मुझे पता है, पर मैं मुठियां बंद रखता हूं। जिस दिन मुठियां खोल दूंगा, ये बड़े बड़े कांग्रेसी भाइयों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मुठियां खोल दी ना, याद रखना ना कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में ना हिंदुस्तान की ना दुनिया में बैठे हुए भारती को जवाब नहीं दे पाओगे। मेरी माँ ने एक ही बात कही थी, बेटा मुठियां बंद रखना, उसको बंद रखना हो, अगर किसी ने बात करनी हो सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर, पीएम की सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर, राजीव गांधी क्यों गया उसकी सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर, क्यों पटना में उसका पूरा इंतजाम नहीं हुआ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के ऊपर, पंजाब के अंदर खालिस्तान के नारे, सिंधु बॉर्डर पे खालिस्तान के नारे, खुला पन्नू खालिस्तानी का लंदन, अमेरिका से चैलेंज, जर्मनी से चैलेंज, नरेंद्र मोदी 5 तारीख को आ रहा है, नरेंद्र मोदी को जान से मार दिया जाए, आओ मेरा चैलेंज आदित्य जी, मैं और मेरे इन दोस्तों को बुला लो, अगर हार जाऊं कभी आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, यह साबित करूंगा यह पॉलिटिकल टेररिज्म था, यह पॉलिटिकल मर्डर होना था, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी कुर्सी सत्ता को हमेशा के लिए पाने के लिए बेताब रहा था। कहां बैठे आप, कुछ भी हम बोल देते, सुरक्षा की एबीसी नहीं आती, गोली शरीर पे खाई नहीं, एक कोई बम हमने खाया नहीं, मेरे से पूछो ना, बार बार मर के जिंदा हूं, मैं बता सकता हूं सुरक्षा की कमी कहां है, मैं बता सकता हूं कौन नहीं सुरक्षित कौन सुरक्षित है। फिर कहूं केरला में किसकी गवर्नमेंट है, सीपीएम सीपीआई की ना जी, उसकी है ना, तो मैं बैठा हूं ना सेफ, मैं तारीफ कर रहा हूं, मेरा सीपीएम सीपीआई से क्या तलक भाई, मेरा बीजेपी से क्या सूरत के अंदर तलक, मेरा धर्मशाला के अंदर हिमाचल गवर्नमेंट से पुलिस से क्या तलक, तलक ये था कि उनकी सुरक्षा देखी, उनकी छलांगा की, मेरा ये है, जहां नहीं है वो मैं गलत कह रहा हूं। अरे चाय का कप पी रहे मेरे पुलिस भाई, मेरे हमारे साथ रहे हैं, आपको पता नहीं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिस दुनिया में थ्रेट है वो आ रहा, आप चाय पी रहे हैं। मैं कभी पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं बोला, पर मैं चैलेंज करके कहता हूं, आओ पंजाब पुलिस के अधिकारियों मेरे से बहस कर लो, अगर हार जाऊं अपना भी सब कुछ छोड़ के मैं चले जाऊंगा यहां से, आओ बहस कर लो, ये